शिवपुरी जिले के चंदनपुरा में रहने वाले लोहपीटा जाति के लोगों ने आज डीएम कार्यालय पहुंचकर मदद की फरियाद की है, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वहां कई वर्षों से शिवपुरी के नवग्रह मंदिर के पास रह रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें चंदनपुरा के पास रहने को जगह दी, जहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है एवं अब फिर से प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, जिसको लेकर लोहपीटा समाज के लोग एकत्रित होकर डीएम के पास पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम से स्थायी जगह देने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की गुहार लगाई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। डीएम नहीं सुनता, पटवारी नहीं सुनता, कोई से अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं सुनते, और हम सुनो, हमारी सुन लो, पूरी सुन लो, फिर लेना इतने का आवंटन दे दिए इनको, तहसीलदार को, पटवारी को, मंत्री को, सबको दे दिए, कोई सुनवाई नहीं सुनी, 20 साल हो गए हैं, और हमारे यहाँ से वैसे डले चीज में कपड़े कद्दे में, कितने लोग आप टोटल, कितने लोग आप, ये है कि हमारे लोग 50 लोग, ना राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं, राशन कार्ड है, राशन तो बराबर मिल रहा है, आधार कार्ड किसी को, आधार कार्ड मिलता है किसी को, हम ऐसे आए सर, हमारे को बहुत संकट है, हमारे से आज से बहुत सालों से रह रहे शिवपुरी के अंदर, हमारा जो मक्कल साथी लोहपीटा को हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कलस्टर के साहब के पास हम जाके थक चुके हैं साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, पहले हम ये चाहते हैं सर हमारे को लाइट आए, बिजली आए, हमारे साथ आवास योजना बने, हम पहले शिवपुरी रहते थे सर नवग्रह मंदिर के पास में, वहाँ से हमारे को शिफ्ट किया चंदनपुरा, कलेक्टर साहब एटीएम साहब ने हमारे को शिफ्ट किया वहाँ पे, कि तुम्हारे को जो जमीन दी जाएगी वो हमारे को जमीन अब बोल रहे हैं, अब तुम्हारे को आबादी में पटवाएंगे, अब दूसरी जमीन मिलेगी सर, वो जमीन पे हमारे को 8-10 साल होने लगे है, हमारी कुछ व्यवस्था नहीं है, वहाँ से हटाने की कह रहे सर, उस दिन आए थे अब यहाँ के कुछ कर्मचारी, उन्होंने बोला तुम्हारे को ये जमीन नहीं दी जाएगी, हम बोले हम 8-10 साल से वहाँ पर रह रहे हैं बिना लाट, बिना बिजली, बिना पानी के, बाल बच्चों को लेके, अब हम वहाँ से क्यों हट सकते हैं सर, आप बताइए सर क्यों सर से हम वहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी कुछ व्यवस्था की जाए, सरकार इतनी व्यवस्था दे रही है हर देश में, आपको हटाया जा रहा है, हर हर उत्तर प्रदेश, भारत प्रदेश में हर व्यवस्था मिल रही है गरीबों के लिए, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, है? नहीं हम हटना नहीं चाहते हैं, हमारे को व्यवस्था मिलनी चाहिए, सरकार हमारे पीएम मोदी बहुत व्यवस्था दे रहे हैं, यहाँ की जो कर्मचारी है वो हमारा क्यों नहीं सुनते सर, हम 100 बार चक्कर लगा चुके हैं सर, हमारी कोई नहीं सुनता है, बहुत सालों से आ रहे सर, कोई सुनवाई नहीं है सर, कह दे तुम्हारा काम बन रहा है, कभी सुधर रहा है, बंद करना कहाँ पे रहा है, कोई सुनवाई नहीं, हमारे 100 चक्कर हो चुके हैं यहाँ के, नहीं होती इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती, क्या है हम पर यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।